गांधी जी एक ऐसी शख्सियत जिन्हें कौन नहीं जानता, हमारे देश के एक जिंदा दिल इंसान थे वो। आज उनके 74वें जन्मदिन पर हम यहाँ पहुँचे हैं लुधियाना के वैक्स म्यूजियम में, जहाँ हमारे साथ कलाकार एक बहुत बड़े आर्टिस्ट चंद्रशेखर प्रभाकर जी हैं। आइए देखिए उन्होंने राजीव गांधी का जन्मदिन किस अंदाज में मनाया। हेलो सर, वेलकम टू टाइम्स पंजाब टीवी। थैंक यू वेरी मच। सर, आज आप यहाँ राजीव गांधी जी का जन्मदिन मनाने जा रहे हैं, तो आपके दिमाग में ये ख्याल कैसे आया कि एक मोम के पुतले के साथ एक जन्मदिन मनाया जाए? ये एक्चुअली एक ऐसी हस्ती, एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसा इंसान, इनके बारे में ये मशहूर था कि जब ये टेलीविज़न पर आ जाते थे ना, तो लोग बरबस टेलीविज़न के सामने बैठते थे। इतनी खूबसूरत, इतनी सुंदर इनका चेहरा था, और उसके साथ साथ उतने ही काम एंड क्वाइट, कूल माइंडेड। और इनके दिमाग में कभी पॉलिटिशियन बनने का या कभी प्रधानमंत्री बनने का सपना भी नहीं था। ही नेवर वॉन्टेड टू बी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, मगर कुछ हालात ऐसे बन गए, उस वक्त इनको प्रधानमंत्री बनना पड़ा। जब ये प्रधानमंत्री बने, क्योंकि इनमें एक फौजी जैसा जुनून था, ये क्योंकि ये आपको पता है ये पायलट थे, तो इनके दिमाग में एक डिसिप्लिन था, इनके दिमाग में देश की, क्योंकि ये विदेशों में दौरे करते थे, घूमते थे, फिरते थे, ये चाहते थे भी हमारा हिंदुस्तान भी ऐसे बने। ये चाहते, इन्होंने वो सपना देखा था एक नया हिंदुस्तान का, एक जिसको कंप्यूटराइज्ड हिंदुस्तान, जिसमें हर तरह की फैसिलिटी बच्चों को मिले। ये जो कंप्यूटर हम आजकल देख रहे हैं, इसको लाने वाले हिंदुस्तान में राजीव जी हैं, और वो सारी टेक्नोलॉजी, आज वो टेक्नोलॉजी हिंदुस्तान के लिए एक वरदान बन चुकी है। आज हिंदुस्तान जो है उस टेक्नोलॉजी के बदले सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, सारी दुनिया में राज कर रहा है। जितने भी ज़्यादा बढ़िया से बढ़िया टेक्नोलॉजिस्ट हैं, और जो भी इसको जानते हैं, कंप्यूटर का काम जानते हैं, कंप्यूटर हार्डवेयर का, ये सारे, वो सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान के ही लायक बच्चे हैं, जो आज विदेशों में जाके अपना हिंदुस्तान की धाक जमा रहे हैं। और उसका जन्मदाता वो राजीव गांधी। तो ऐसे शख्स हमारे बीच में आज चाहे नहीं हैं, मगर इनकी मौजूदगी हमेशा महसूस की जाएगी, हमेशा ऐसा लगेगा कि वो हमारे साथ ही हैं। और इनका जन्मदिन बनाने में मेरे को आज बहुत खुशी हो रही है, आज मेरा मन बहुत खुश है कि मैं उस इंसान को सैल्यूट कर रहा हूँ, उस इंसान को मैं उनका जन्मदिन मना रहा हूँ, जो हमारे देश के लिए, हमारे देश का एक हीरा थे, एक नग थे, एक ऑर्नामेंट थे। सर, आप इनका जन्मदिन हर साल मनाते हैं या ये आज ही आपने? मैं हर साल मनाता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, जो वैक्स म्यूजियम बनाने का सबसे पहला जो जन्मदिन मनाया था, मैंने राजीव गांधी जी से शुरू किया था, उसके बाद सोनिया जी का बनाया था। तो ये मतलब कोई ये नहीं है, कोई दिखावे वाली बात है। जिसको मैं चाहता हूँ वो उसको दिल से चाहता हूँ, जिसको नहीं चाहता उसको नहीं चाहता। कहीं कि मैंने स्टैचू नहीं बनाए, लोगों ने बड़ा कहा आप इसके बनाओ स्टैचू, नहीं बना। जिसकी अंतरात्मा मेरी आवाज़ देती है कि भाई ये बंदा ही इज़ रियल सिंसियर टू द कंट्री, मैं उसका स्टैचू बनाता हूँ। ही वॉज रियल एंड सिंसियर टू द कंट्री, ही वॉज रियल इंडियन कंट्री मैन, सो आई सल्यूट हिम और हैप्पी बर्थडे सर वंस अगेन। वी कैन से ही इज़ योर रोल मॉडल? येस ऑफ कोर्स इज़ माई रोल, नॉट ऑफ माइन, ऑफ मैनी मैनी दोज इंडियंस, दोज वो लव देयर कंट्री, जो देश से प्यार करते हैं, जो हिंदुस्तान को प्यार करते हैं, जो हिंदुस्तान के लिए जीना मरना जानते हैं, मैं उन सब के ये रोल मॉडल थे। और इन्होंने आपको पता, इनको शहीद हो गए, अब छोटी उम्र में शहीद हो गए, काश अगर जिंदा होते तो हिंदुस्तान की रूपरेखा और बढ़िया होती। आपको याद होगा कि इनके टाइम में भी कोई घोटाले नहीं हुए, और जैसे कई मिनिस्टर आज प्रधानमंत्री आए हैं उनके घोटाले हुए, मगर ही वॉज वन ऑफ देम हु ट्राई टू एस्केप एवरीथिंग। थैंक यू सो मच सर, इट्स अ ग्रेट एफर्ट बाय यू। तो यह थे हमारे साथ एक बहुत बड़े आर्टिस्ट जिन्होंने राजीव गांधी का जन्मदिन किस अंदाज में मनाया आपने भी देखा। तो आने वाले सालों में भी हम ऐसे ही उम्मीद करेंगे कि हमारे आर्टिस्ट ऐसे ही सबका जन्मदिन मनाते रहें। शिप्रा पसरीजा, टाइम्स पंजाब टीवी।